डीडी समाचार की टीम आज ग्राम पंचायत मादला पहुंची है। वहां की महिला सरपंच दिव्या बागोरा, उनसे जानेंगे उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास करवाया। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैडम, आपके कार्यकाल को करीबन 3 साल से ऊपर का टाइम हो। इस दौरान आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवार को यह मकान दिए। हाँ दिया, 128 प्रधानमंत्री आवास योजना के काम दिया, जिसको पक्के मकान मिले उनका बहुत फायदा किया। फायदा किया मैडम, आपकी ग्राम पंचायत में नरेगा का कार्य चल रहा है। हाँ, चल रहा है, बहुत कटिंग रोड समतलीकरण काम चल रहा है। मैडम, एक बात पूछे आपसे, जैसे कि आप महिला सरपंच हैं, यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? हमारे यहाँ शिक्षा स्तर तो थोड़ा अच्छा ही, ठीक ही चल रहा है, पर तो भी इतना बेहतर नहीं है। इसमें मैडम आप कोई सुधार ला रहे हैं? महिला सरपंच होने के नाते आपको तो परेशानी का सामना करना पड़ता हो, आप कोई सुधार वगैरह करें? हाँ, सुधार कर रहे हैं हम, क्या इतना मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब जो शिक्षित लोग मतलब जो आगे बढ़ा रहे हैं काम के लिए, बातचीत कर रहे हैं, तो अभी शिक्षित के लिए योजना कर रहे हैं। मैडम, आपकी ग्राम पंचायत में पानी की कोई समस्या वगैरह आ रही है? हाँ, पानी की बारिश के टाइम में कमी होती है, पर अभी गर्मी के टाइम में हमारे उधर पानी की बहुत समस्या हो रही है। उनके लिए हम लोगों के लिए हम बहुत फ़ायदा दिला रहे हैं, कई पनकट दिला रहे हैं, कई हेडपम्प दिला रहे हैं, कई यूँ एनीकट बनवा रहे हैं लोगों का। यूँ अभी काम चल रहा है और अभी पंचायत में हो भी रहा है, बहुत फायदा दिला रहे हैं। मैडम, प्रधानमंत्री का नारा स्वस्थ भारत हमारा, उसके तहत आपने ग्राम पंचायत में क्या क्या करवाया? शौचालय निर्माण वगैरह? हाँ, शौचालय निर्माण करवाए हैं। प्रधानमंत्री का नारा वो सच में दिख रहा है आपकी ग्राम पंचायत में? हाँ। मैडम, अब बात करें जो आपका वंचित टाइम बचा है, जैसे कि 1.5 साल माने करीबन, आपके क्या सपने रहेंगे कि हम क्या विकास करें? हम ये विकास कराएं कि लोगों का फायदा और सब लोगों का फायदा और हम और भी मतलब दूसरी बात भी हम लोगों का सब सभी प्रकार का विकास और सब ऊपर आए। इसी कड़ी के साथ हमारे साथ पूर्व सरपंच, जो कि 1990 से ही यहाँ के पंचायती राज में कार्य करता रहे हैं, दुलाराम जी भगोरा, उनसे जानेंगे। सर, आपका परिचय देते हुए। हाँ सर, मेरा नाम दुलाराम भगोरा है, मैं गांव मादला का इसी गांव का निवासी हूँ और मैं इस राजनीति करियर में प्रथम संघ 1995 90 में मैं वार्डपंच बना हूँ और 90 के बाद 95 में पहला सरपंच यहाँ बना हूँ। उसको लेकर के इस क्षेत्र का विकास काफ़ी, अगर यह माना जाए, देखा जाए कि यहाँ जनपद मैंने आ से शुरू की और इधर गिनती देखी तो 1 से शुरू। अगर 1990 से पहले शायद इस गांव में एक भी बिल्डिंग नहीं थी, पक्का मकान, एक भी कमरा नहीं था, एक भी सड़क नहीं थी, एक भी घर लाइट नहीं थी, तो उसके लेकर के मैंने 3 साल सरपंच बनने के बाद पंचायत चला, जो पेड़ों के नीचे गर्म सभा ली, क्योंकि हमारे पास बैठने का भी मकान की भी सुविधा नहीं थी, तो वहाँ से हमने ये पंचायत बनाई। पंचायत के बाद लेकर के ये IT सेंटर बनाए, किसान भवन बनाया, पटवन मंडल बनाए, पोस्ट ऑफिस बनाया, जो हमारे स्कूल यहाँ 5वीं चल रही थी मेरे से पहले, 5वीं से लेकर के मैंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 8वीं बनाई, 8वीं से लेकर के 10वीं की, 10वीं से अभी 12वीं की, तो अभी एक हमारे 12वीं है, 2 मेडिल हैं और अभी हमारे पास 4 प्राइमरी है, 4 हमारे यहाँ बालवाड़ आंगनबाड़ियाँ हैं और ही कई सारे विकास के काम अभी हम लोगों ने इस क्षेत्र में बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के, सड़क से लेकर के, समतलीकरण, आवास, पनघर जैसे हेडपम्प से लेकर के खूब सारी योजनाएं इस क्षेत्र में की है, जिसकी गिनती नहीं। इस साल हमारा सबसे अच्छा लाभ हम लोगों को मिला मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन की तरफ, तो इसमें हम लोग कम से कम 6 एनीकट हम बना रहे हैं 40-40 लाख की, और इसमें 1-1 लाख की जो 150 से करीब MPDB बन रही है, चेक डैम बन रहे हैं, मेडबंदी बन रही, इसको अगर मैंने एवरेज निकाला, अगर ये सारा टोटली बजट मिला दिया जाए तो 5 करोड़ से भी अधिक है, तो इस प्रकार इस क्षेत्र का विकास हुआ। मैं अभी मैं भी संगठन में सबसे पहले मैं 1990 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, वहाँ से भी सरपंच बना, उसके बाद मैं श्यार भार में पूरी झाड़ोद ब्लॉक का उपाध्यक्ष भी रह चुका, बाद में अभी मैं कुछ 1 वर्ष पहले पूरी पलासिया मंडल का उपाध्यक्ष रह चुका, अध्यक्ष मंडल के, अभी मैं किसान मोर्चा देहात जिला का मंत्री और कोटरा और झाड़ोद विधानसभा का प्रभारी भी हूँ, और इधर से भी कई लेवल के इधर हमारी एक संस्था चल रही है पूरी झाड़ोद में सबसे बढ़कर के सेवा मंदिर, जिसमें 59 पंचायतों का एक ब्लॉक बना है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ,
और हमारे जो ऊर्जा विभाग चल रहा है उसका मैं उदयपुर का डायरेक्टर भी हूँ। और इधर जो हमारी एक पुलिस विभाग के ऊपर कानून महकमा बना है जिसमें हमारे जवाबदेही पुलिस समिति का, जो मैं एस पी ओ पी उदयपुर का एक पूरे उदयपुर जिले का सदस्य भी हूँ। इस प्रकार अभी विकास के लिए खूब सारे काम इस क्षेत्र में आकर देखा जाए तो हमारे 90 से पहले यहाँ एक भी काम नहीं था। तो आज इस पंचायत को मैंने जिस प्रथम श्रेणी की पंचायत की बराबरी पर इस पंचायत को ला दी है। और अभी हम लगातार मैं और मेरे परिवार से लेकर के आज चौथी बार सरपंच हूँ और यहाँ की जनता अभी भी हम लोगों को मन में लग रहा है कि मैं एवरेज निकालता हूँ हर वक्त कि जनता हमसे टूट रही है जुड़ रही है। तो इस 5 बार चुनाव लड़ा इसमें 5 बार मैंने एवरेज निकाला, जनता कुछ टूटती भी है, 25% टूटती है तो 30% नहीं भी जुड़ती है। जो एक बीच में चुनाव हारा वो भी कारण रहा कि हमारे साथी हमारे गुट में एक पार्टी जो विपक्ष से लड़ गया इसलिए 220 वोट उसने काटे और मैं 100 वोट से हारा। तो अभी भी जनता अगर हम लोगों को डिमांड आगे के लिए भी कर रही है कि विधानसभा में आपको लड़ाया जाए, मैंने आज तक ये किसी को नहीं कहा मैं विधानसभा तक लड़ूँ नहीं सर, पूरी तहसील की जनता डिमांड कर रही है कि नहीं हम लोगों को अगर आदमी चाहिए तो इस प्रकार चाहिए थे। बाकी हमारे जो उम्मीदवार लोग ही वो नाम पैनल बना के भेज रहे हैं, मेरा नाम जनता आगे भेज रही है, नहीं हम इसको नहीं जाएंगे, वो इस आदमी को आगे लाओ तो हम आगे अधिकतर झाड़ोल में वोट बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, आप ही चुनाव लड़े आप सरपंच बने, पुत्र वधु को चुनाव लड़ा वो भी सरपंच बनी, बेटी को चुनाव लड़ा वो भी सरपंच, जनता आपसे क्या उम्मीद रखेगी? आगे कौन सा चुनाव लड़ोगे, अभी विधानसभा का लड़ोगे या सरपंच का चुनाव? आप देखो सर, आगे जनता तो चाह रही है कि विधानसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा नहीं तो पंचायत समिति का है, दोनों में से कोई कोई एक चुनाव तो मुझे आने वाले समय में फाइटिंग करना ही है। इसका कहना है चुनाव मैदान में आप उतरोगे? बिल्कुल सर, चुनाव मैदान में तो उतरना ही है सर। ठीक है, ऊपर का जो विधानसभा का वो एक लंबा मामला है, टिकट मिली तो ठीक, नहीं मिली ठीक, बाकी पंचायत समिति का तो मैटर फिर लड़ना ही पड़ेगा सर। बाकी कोई इस क्षेत्र का हमारा 28 पंचायतों के दायित्व करने वाला आदमी जिम्मेदार लोगों को नहीं लग रहा है फिर वो किसी का भाग्य जैसा वो फैसला देगा। बाकी खैर राजनीति भविष्य को तो भी इसमें उतरे, हम लोग जनता चाहती है कि हम लोग इन्हीं के साथ रहे, हम मैं तो चाहता हूँ जनता भी इसमें रहूँ और जनता भी मेरे को नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि हमारे 25 सालों का करियर जनता ने पैसा लिया, हर प्रकार के काम हर आदमी का दिल हमारे साथ जुड़ चुका है। इसलिए मुझे विश्वास है कि पंचायत के अंदर तो मैं उतरूँगा तो भले कोई भी कैसा भी आदमी उतरे फिर भी जनता उससे अलग हट करके चयन हमारा करने के लिए तैयार है। आज भी तैयार है तो और भी तैयार रहेगा, ये हम लोगों को उम्मीद रखनी है। मगर फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं की हमारे क्षेत्र की लोगों की भावना के अनुरूप काम करेंगे। वैसे तो जनता का अगर भावना नहीं है तो अपन इस कदम को नहीं उठाएंगे क्योंकि जनता के विरुद्ध उठाने से मतलब रहता नहीं। धन्यवाद मैडम। आप ग्राम पंचायत या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे, एक बेटी पढ़ाओ बेटी बसाओ, यह संदेश देना चाहेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब। सीधी बात सरपंच के साथ खास मुलाकात के तहत मिलेंगे किसी और ग्राम पंचायत में। मैं शंकर भंसाली, देखते रहें डीडी समाचार।